नुई हेमंत सोरेन, नुई हेमंत सोरेन ना कभी मुखिया बना ना कभी प्रमुख बना, ये तो शिबू सोरेन का बेटा था। हम लोगों ने सोचा कि बेटा है, ये राजनीति करने वाला आदमी नहीं है और ये दूसरे के दिमाग पर राजनीति करता है। वो कौन है? सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे, सुनील श्रीवास्तव। और यहाँ का शेडो मुख्यमंत्री कौन था? पंकज मिश्र। सब लोग जानते हैं। अरे यहाँ आइए आईपीएस लोग गुलदस्ता लेके पहुंचता था सुबह सुबह में और कान में टांग चढ़ा के बैठा रहता था। बारे बार कमाल की बात है। ये बाहरिया, ये भी बिहार का, पिंटू भी बाहर का, मिश्रा भी बाहर का और सुप्रियो भट्टाचार्य भी बाहर का, विनोद पांडे भी बाहर का। क्या झारखंड ले पढ़े लिखे नौजवान बकार है क्या? नहीं है क्या? नरेंद्र को पढ़ा लिखा कुशवाहा, नरेंद्र को पढ़ा लिखा पूरा विनोद कुशवाहा है कि नहीं है? पढ़ा लिखा लड़का हमारा, मैंने बी ए डिग्री हासिल किया हुआ लड़का है, जगह नहीं है इन लोगों के लिए। उसके साथ भी अजीब हालत है। अब नंदा हेमंत सोरेन रे, अब रे ना पूरे कहीं पाकुर कॉलेज रे, दारो बता दी दे, 150 पुलिस को बुलाई ना और चांदे मन दे गेट और रखो दाल के खुआ देखो बयान दे जा तीर पूरे तकवा नीति भंजनल भाई चला लेना गई पता ना तू रे अब रे सबको दाल के खुआ आई हो बहुत पुसाए ना हॉस्पिटल को चलाए ना नंगल भाई चला लेना। ये नाम का आदिवासी है, ये धान का आदिवासी है, ये यहाँ के लोगों को छलने का काम किया है, ठगने का काम किया है। तो इसलिए ये मौका है, ये मौका है हेमंत सोरेन को भगाना है, झारखंड को बचाना है। हम सौभाग्यशाली है कि आज रीजनल पार्टी में, क्षेत्रीय पार्टी में हम काम करते थे, सही चीज बोलने के लिए हमको सजा मिला और आज भारतीय जनता पार्टी में भाई नरेंद्र मोदी के साथ में उसकी पार्टी में काम कर रहे हैं। हमने का सौभाग्य और आप ये मत सोचिए, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज ये मत सोचिए आज मैं अपना पीठ नहीं थपथपाता हूं, मेरा अभी भी घर में जाके देख लीजिएगा 2-3 पलंग है और बोरा में चावल है, धान है, आलू है, ये सब है। अलमीरा में पैसा नहीं है। आज तक मेरा एक खदान नहीं है, एक क्रेशर नहीं है, एक पेट्रोल पंप नहीं है। इतना बड़ा कोयला खदान चलता है, इतना बड़ा लोग मठिया में, लेकिन एक भी गाड़ी वहां में नहीं चलता। हाँ इतना जरूर है खदान में बोलेंगे काम चालू तो चालू, बंद तो बंद। आज यहाँ का जो है अधिकारी लोग यहाँ के लोगों को कुछ नहीं बूझता है, सीधा साधा है, जानते हैं झारखंड का सब वही आदत है, बोलेगा नहीं, घुसाएगा नहीं, अपना अधिकार के बारे में चुपचाप खड़ा रहेगा। इसका फायदा ये लोग उठा रहा है, ये सब नहीं चलने वाला, ये सब चलने वाला नहीं है। और मैं बता रहा हूं समय थोड़ा कम है, अभी रैली निकालेंगे,